आज हम बनाने जा रहे हैं 100 वाट या 60 वाट वाला बल्ब, जो कि नॉर्मली सभी के घर में यूज़ होता है और फ्यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे किसी भी नुकीलेदार या ठोस चीज़ से इसको ठोक के ऐसा आप निकाल सकते हैं। तो सावधानी से निकालें, हाथ में चोट लग सकती है। मेरे पास चिमटी ट्वीज़र थी, जिसके सहायता से मैंने निकाला। आप भी ध्यान दें और ठीक तरीके से निकालें। ये नीचे वाला पार्ट से निकल जाने के बाद मैं अच्छे से पूरी तरह नीचे वाली प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो नीचे एक कांच की सतह लगी होती है जहाँ से लाइटिंग स्टार्ट होती है। तो आपको कोई ऐसी नुकीली चीज़ें लेना है और ज़्यादा प्रेशर से नहीं, एकदम नॉर्मल प्रेशर से। मैंने वीडियो फॉरवर्ड करके रखा हूँ इसलिए वो तेज़ प्रोसेसिंग दिखा रहा है। स्लो, एकदम स्लो करना है। याद रहे, थोड़ी सी भी मिस्टेक से पूरा बल्ब टूट सकता है और आपके हाथ में चोट लग सकती है। ध्यान रहे, संभल के आप करें। ये फिर से पूरी तरह से नहीं निकला था, तो मैंने उसको अच्छे से जो फिक्स हो सका वो वाला मैंने लगाया। और देखिए, आपकी सामने से उसका होल अच्छे से दिखने लगा है। अब उसको निकाल लेंगे धीरे से। ध्यान रहे, या तो आप हाथ में कोई ग्लव्स वगैरह पहने या फिर आप धीरे से करें एकदम सेफ्टी के साथ। जब बल्ब के अंदर का पार्ट अच्छे से निकल जाए, उसके बाद में आप एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है जो सतह होना चाहिए। उसके बाद में बल्ब उसके ऊपर रख कर उसे मार्कर से निशान लगा के उसको इस तरह राउंड अप काट लें। काटने के बाद आपके पास आयरन होगी, तो आयरन से आप ऐसा छेद कर लें जिससे LED लग सके। तो मैंने किया, उसके बाद में LED को लगाया। देखिए, LED लगने के बाद आपको उसे रख देना है। इसके बाद में आपको ग्लू गन ये चालू किया, नहीं बंद है, अभी चालू हुई और मैंने चालू कर दिया। ये थोड़ी डैमेज हो गई तो मैंने इसे रिपेयर कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा काम ही है डैमेज चीज़ों को रिपेयर करना। देखिए, इसको सतह मेरे को लगता है कुछ डिस्टर्ब सा हो रहा है ऊपर नीचे, तो मैं उसको अच्छी तरह से प्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास पेंचिस। देखिए, आपके पास जो भी हो आप उससे धीरे से धीरे धीरे करके उसको अच्छे से निकाल लें। और फिर आप अच्छे से निकालने के बाद में जो प्लास्टिक है उसे उसके ऊपर रख कर ग्लू गन की सहायता से आप उसे पूरी तरह से पैक कर सकते हो। देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि शायद हो चुका है, और अब मैं ज़्यादा भी कर नहीं सकता। अगर मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा तो हो सकता है कि बल्ब टूट जाए। तो हो गया, ओके। इसके बाद में मेरी ग्लू गन भी रेडी है। अभी मैं इसको चारों तरफ राउंड शेप पे लगा देता हूँ। देखिए, साइज ठीक है, ओके। अब इसमें पानी के साथ भी कर सकते हो, पर मैंने बिना पानी के साथ में किया, क्योंकि पानी के साथ इसका वजन कुछ ज़्यादा हीवी हो जाता है। तो आप कर सकते हो पानी के साथ में, लेकिन आपको उसके लिए उसे उसका वजन को हैंडल करने के लिए या तो आपको वायर लगाना होगा या फिर कुछ डिज़ाइन टाइप से लगाना होगा ताकि वो हैंडल हो जाए। मुझे लगता है कि हमारी ग्लू गन रेडी है, ओके। वैसे मैंने वॉइस रिकॉर्ड बाद में रिकॉर्ड की है, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब काफ़ी हल्ला हो रहा था, तो मेरे को साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने चारों ओर लगा दिया हूँ। आप भी इसी तरह से, मतलब इसी तरह से ये परफेक्ट लगा नहीं हुआ था, हो सकता है कि मैंने पहले ही मूव कर दिया था जिस कारण ये अच्छे से फिट नहीं हुआ। अब देखिए, फिर मैंने
अगेन अच्छे से इसे लगाया और फिट किया, तब जाके ये हुआ। आपको दो वायर लेना है, वायर नहीं लेना, मतलब आपको डाटा केबल लेना है, या फिर नॉर्मली जो चार्जर आपके घर पे होते हैं जो लीड मतलब सामने से कटा हुआ होता है, या फिर आप कार्ड भी सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, आप मार्केट से लेके आ सकते हैं डाटा केबल, जो कि मैंने लिया हूँ। उसके बाद में आपको LED के पॉजिटिव सिरे पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कैसे पहचानेंगे कि LED का पॉजिटिव सिरा है या नेगेटिव सिरा है। द पॉइंट पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव सिंपल सा फंडा याद रहे, LED को ध्यान से देखिए, देखने के बाद में आपको ये दिखाई देगा कि LED के एक तरफ छोटा हिस्सा है और एक तरफ बड़ा हिस्सा है। जिस तरफ छोटा हिस्सा है उस तरफ पॉजिटिव पॉइंट होगा, जिस तरफ बड़ा हिस्सा है उस तरफ नेगेटिव पॉइंट होगा। तो मैंने इसे सॉल्डिंग कर लिया हूँ या फिर कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि क्योंकि मेरे पास हटाओ जो भी है, पर सॉल्डिंग हो गई, फिर से मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्डिंग कर लेते हैं। सुकून शांति आत्मा के साथ में आप सॉल्डिंग कर लें पेस्ट लगा के, और मुझे लगता है कि हाँ हो गई है। होने के बाद ये होगी परफेक्ट, ओके डन। तो सॉल्डिंग होने के बाद आप इसे ग्लू गन से या फिर टेप लगा सकते हैं, ग्लू गन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी इसके आगे, पर मैंने ग्लू गन का यूज़ किया हूँ। तो आप जिस भी चीज़ का यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, किया हुआ ये कि यहाँ मैंने ग्लू गन से लगाया, सॉल्डिंग किया, पर ये आगे चल के ब्रेक हो गया, मीन्स जो प्लास्टिक है ऊपर का वो निकल गया। अब ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ये निकल गया, मैं फिर से इसे ग्लू गन से फिर से लगा देता हूँ। मैंने रिमूव किया, उसके बाद में मैं अच्छी तरह से इसे फिट कर दूंगा। तो आप देख लें, तो ऐसी मिस्टेक होती रहती है। तो मैं लगा रहा हूँ, लगता है कि अच्छे से नहीं लगा है, तो मैं अच्छे से चारों तरफ, जब आप पहला काम कोई करते हो और वो फेल हो जाता है तो आपको उसका थोड़ा बेटर नॉलेज हो जाता है कि हाँ मुझे इसे और बेहतर करना होगा। तो मैं बस वही कर रहा हूँ, और ये सब करते हुए मेरे हाथ जल रहे थे, मतलब जो अंगूठा है मेरा वो कुछ ज़्यादा हीट हो गई मेरे को लगता है, इस कारण मेरा अंगूठा जल रहा था, मैंने चेंज किया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जलाए ना, काफ़ी ज़्यादा ठीक है। अब मेन वर्क।